पाइनएप्पल यानी कि अनानास एक बहुत मशहूर फल है जो कि आपको सर्दियों में मिलता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसमें विटामिन ए और सी भरपूर क्वांटिटी में मौजूद होता है जो कि आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एजिंग और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रजिस्टर्ड डाइटिशियन आयशा तलत। मैं पिछले 5 साल से महे गजायात और 2 साल से एज ए कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट मरहम पर काम कर रही हूँ। आज मेरी वीडियो में आप जानिएगे कि पाइनएप्पल यानी कि अनानास को खाने का सही तरीका, उसको खाने का फ़ायदा और आप उसको किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। पाइनएप्पल यानी कि अनानास एक बहुत मशहूर फल है जो कि आपको सर्दियों में मिलता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसमें विटामिन ए और सी भरपूर क्वांटिटी में मौजूद होता है जो कि आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एजिंग और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। अगर आप पाइनएप्पल का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो एक्ने और पिंपल्स जैसी बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन भी ग्लो करती है और आपका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होता जाता है। वक्त के साथ साथ इसके इस्तेमाल से आपका वेट गेन होता है। अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप रोज़ाना पाइनएप्पल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर जो हाई शुगर और विटामिन सी की क्वांटिटी मौजूद होती है वो आपका ग्रेजुअली वज़न जो है वो बढ़ाती है। इसके साथ ही साथ विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की मौजूदगी की वजह से ये आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पाइनएप्पल या अनानास का इस्तेमाल मैदे की तेजाबियत, गर्मी, कब्ज या बदहजमी जैसी बीमारियों को दूर करता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर भरपूर क्वान्टिटी में मौजूद होता है। इसके साथ ही साथ ये जिगर की गर्मी को भी ख़त्म करता है, इसलिए ये यरकान के मरीज़ों को ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि वो इसका जूस जो है वो पिएँ। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल या अनानास का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जी हाँ, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ़ है अगर आप इसको पका के और बग़ैर छिलके के खाएं। अगर आप कच्चा अनानास छिलके के साथ ले रहे हैं तो ये नुकसानदेह होता है, लेकिन अगर आप पका हुआ अनानास या उसका जूस डाइल्यूट करके पानी के साथ या बग़ैर छिलके के ले रहे हैं तो ये बिल्कुल फ़ायदेमंद है। पाइनएप्पल खाने का सही तरीका है कि छिलके के बग़ैर इसका अंदर का जो पल्प या सॉफ्ट पोर्शन होता है उसके 2 से 3 स्लाइसेस आप डेली लें। सही खाने और बेहतरीन खाने का वक्त दोपहर का है। आप इसको लंच के साथ ले सकते हैं या आप इसको खाली जो है एज ए स्नैक भी कंज्यूम कर सकते हैं। पाइनएप्पल या अनानास मसाने की कमज़ोरी का फौरी इलाज करता है। अगर आपको पेशाब बार बार आता है, मसाने में कमज़ोरी या फिर ख़ास तौर पर मर्दों को जो है वो कमज़ोरी महसूस होती है, मसाने में गर्मी या तेजाबियत महसूस होती है, पेशाब करते हुए जलन महसूस होती है या फिर आपको बदहजमी का सामना करना पड़ता है, अगर आप कुछ भी खाते हैं ख़ास तौर पर अगर कोई फ्लूइड कंज्यूम करते हैं तो आपको फौरन जो है वो बाथरूम जाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप रोज़ाना पाइनएप्पल जूस का इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जूस को डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप डायरेक्टली जो है वो जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनलेस एंड अंटिल अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आप जो है वो पाइनएप्पल जूस का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर शुगर क्वान्टिटी जो है वो ज़्यादा होती है। और अगर आप जो है वो पाइनएप्पल का जूस मसाने की कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको हल्का सा डाइल्यूट कर लें, इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मसाने की कमज़ोरी को ख़त्म करती है और जो उसकी शुगर जिसकी वजह से अगर आपको पेशाब ज़्यादा ज़्यादा आता है तो वो अगर आप डाइल्यूट कर लेंगे तो वो शुगर नुकसान आपको नहीं देगी। फिर अगर आप मेरे से डाइट प्लान लेना चाहते हैं ब्लड प्रेशर, PCOS या डायबिटीज़ के लिए, इसके साथ ही साथ अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको लिवर, किडनी या पेट के कोई मसाइल हैं जिनसे आप फाइट कर रहे हैं, तो आप marham.pk के थ्रू मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करके अपना डाइट प्लान ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।